हमारे YouTube चैनल MR Urdu Art को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल MR Urdu Art। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो की खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में तरखशा लिखा है, उससे पहले मैंने कुछ फूल भी बनाकर बताया है। तो आप जो लोग भी फूल बनाना सीखना चाहते हैं वो इसके ज़रिए से भी बना सकते हैं, और जो मैंने लिखा है वो बिल्कुल ही आसान तरीके से लिखा है। पेंसिल के मदद से आप पहले लिख लें, उसके बाद उस पर मार्कर चला लें, ताकि आपके हरूफ ना मिटे और ख़ूबसूरत भी देखने में लगे। तो दोस्तों, ये वीडियो एक फरमाइश की है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल MR Urdu Art को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम इसी तरह से वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप किताबत सीखें तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े और बारीकी से देखें। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि लोग भगा भगा कर वीडियो को देख लेते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी चीज़ को किस तरह से बनाए, तो ये ग़लती आप ना करें, बल्कि आप बारीकी से शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि आप एक एक बारीकी को समझ सकें और आप भी इसी तरह से बना सकें। तो दोस्तों, ये मैंने फूल बना दिया है मुकम्मल, अब मैं इसमें पेंसिल की मदद से लिखूंगा। तो आपसे भी मेरी गुजारिश ये है कि आप पहले पेंसिल से लिखें, ताकि अगर कोई हर्फ गलत हो जाए तो आप उसे मिटा कर फिर से उसे सही कर सकते हैं। तो पेंसिल से आप कभी भी लिखें, अगर मान लीजिए आपको लिखने नहीं आता है, आपकी तहरीर अच्छी नहीं है, तो अगर आप पेंसिल को अच्छे से साफ करके और उसके बाद जब आप पेंसिल को सीधा पेपर पे लिटा कर अगर आप लिखेंगे तो आपकी तहरीर अच्छी बनेगी, जैसा कि मैंने ये लिखा है। और उसके बाद फिर आप उसे डबल कर ले तो बिल्कुल आसान है वो इस तरीके से लिखना। इंशाल्लाह इसके बारे में कि पेंसिल को किस तरह से चलाए, मैं एक वीडियो ज़रूर बना कर डालूँगा। बस मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप हजरात अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि मैं आपको एक पेंसिल के ऊपर वीडियो बनाकर दिखाऊंगा कि जिन लोगों की तहरीर अच्छी नहीं है, जो सही से नहीं लिख पाते हैं, उनके लिए बिल्कुल आसान है कि वो पेंसिल को अच्छे से साफ़ कर ले और उसके बाद उसको पेपर पर लिटा करके और जिस तरह से कलम चलाते हैं उस तरह से अगर आप चलाएंगे तो आपकी तहरीर, आपके हरूफ बहुत ही खूबसूरत निकलेंगे, पेपर पे अच्छा दिखेगा। तो उस तरह से आप करेंगे तो उनके लिए ये बेहतर है जिनकी तहरीर अच्छी नहीं है। तो दोस्तों, उसके बाद आप मार्कर चला ले, मार्कर चलाने के बाद आप जो पेंसिल से लिखे हैं उसे मिटा दें और उसके बाद आपको जो भी कलर पसंद हो, जो भी आपको बेहतर लग रहा हो, आप वो कलर उसमें भर सकते हैं। तो देखिएगा, आपकी तहरीर बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगी, आपके हरूफ बहुत ही अच्छे नज़र आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो कुछ भी आप लोगों को बताया वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त अहबाब में शेयर करें, ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके। और दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूले
और हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर हमारे YouTube चैनल MR उर्दू आर्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, ये वीडियो अब बिल्कुल मुकम्मल तौर से तैयार हो चुका है, बस मुझे इसमें मिटाना है, तो आप भी लास्ट में रबर से मिटा दें पेंसिल वाले को। तो चलिए फिर दूसरी वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।